नमस्कार दोस्तों, तो मोटोरोला के अपकमिंग कौन कौन से जी सीरीज का स्मार्टफोन आने वाला है उसके ऊपर मैंने अलग अलग वीडियो बना दिया है। गैजेटल चैनल पे जरूर देख लेना या फिर मैं आई बटन में भी उसका लिंक जरूर दे दूंगा। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि जैसे पिछले साल लॉन्च हुआ था मोटोरोला एज 20 सीरीज के अंदर टोटल 3 स्मार्टफोन, इस बार भी कहा जा रहा है कि मोटोरोला एज 30 सीरीज के अंदर टोटल 3 स्मार्टफोन आएगा। उसमें से तीनों ही बहुत ही कमाल का है, क्योंकि उसमें से एक डिवाइस होगा टोटली कॉम्पैक्ट पावरफुल स्मार्टफोन, दूसरा होगा एक मीडियम रेंज में पावरफुल स्मार्टफोन और तीसरा होगा एकदम टॉप लेवल में 200 मेगापिक्सल कैमरा वाला स्मार्टफोन। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे जो कि कॉम्पैक्ट वाला और वो भी बजट रेंज में लॉन्च होने वाला है उस स्मार्टफोन के बारे में, और जिसका नाम है मोटोरोला एज 30 लाइट। तो इस वीडियो में देखेंगे इस मोटोरोला एज 30 लाइट में एग्जैक्टली क्या स्पेसिफिकेशन मिलेगा, क्या डिजाइन होगा और कब तक लॉन्च होगा, ये सब कुछ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और हाँ, हर बार की तरह ये वीडियो भी आप लोगों के लिए एकदम एक्सक्लूसिव वीडियो है, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर हो सके तो वीडियो के नीचे कमेंट भी जरूर करना। तो चलिए फटाफट शुरू करते आज का वीडियो। तो ये चीज आपको जरूर मालूम ही होगा कि मोटोरोला जब भी अपना कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च करता है उस स्मार्टफोन का एक स्पेशल कोड नेम होता है और वो कोड नेम जनरली किसी शहर के नाम के हिसाब से होता है। तो इस बार का ये जो मोटोरोला एज 30 लाइट इसका कोड नेम है दुबई। तो ये जो स्मार्टफोन आपको टोटल दो कलर पे मिलेगा, एक तो होगा ट्रेडिशनल ब्लैक और दूसरा होगा ट्रेडिशनल ग्रे कलर का। और अगर हम इसके डिजाइन के बारे में बात करें, कहा जा रहा है कि इस बार का ये जो डिजाइन कुछ हद तक इस जैसे ही देखने को मिलेगा। तो इस स्मार्टफोन का थिकनेस होगा 6.95 मिलीमीटर और इसका वेट होगा 164 ग्राम। कहा जा रहा है कि इस स्मार्टफोन के वेट को और भी ज्यादा कम रखने के लिए इसके पीछे आपको टोटली ग्लॉसी टाइप का प्लास्टिक बैक कवर इस्तेमाल किया जाएगा। तो मतलब ये चीज समझ लीजिए, जिस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होने वाला है प्राइस पॉइंट का, या फिर ये भी कह सकते हैं अभी एंड्रॉयड वर्ल्ड का सबसे हल्का और सबसे पतला स्मार्टफोन एक्चुअली मोटोरोला एज 30 लाइट ही होने वाला है। डिस्प्ले के मामले में आपको इसमें मिलेगा 6.28 इंच फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज पोलेट डिस्प्ले, जिसके साथ आपको मिलेगा 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट। इसका मैक्सिमम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा 92% के आसपास। इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का सर्टिफिकेशन मिलेगा और इसका जो डिस्प्ले वो होगा HDR 10 सर्टिफाइड डिस्प्ले। मतलब इसका जो डिस्प्ले प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया होगा। प्रोसेसर की अगर बात करें, जिस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होने वाला है उस प्राइस पॉइंट का सबसे पॉपुलर प्रोसेसर जो कि स्नैपड्रैगन 695 वही प्रोसेसर इसमें आपको देखने को मिलेगा। कैमरे की अगर बात करें, आपको इसमें 4-5-6 इतना ज्यादा कैमरा नहीं, बस 2 सॉलिड सेंसर मिलेगा जो कि 64 और 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। इसका जो 13 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर वो एक्चुअली एक अल्ट्रा वाइड सेंसर, और इसके ओवरऑल कैमरा की मदद से आप फुल एचडी 30fps पे वीडियो आसानी से निकल पाएंगे। ये जो स्मार्टफोन काजल के बस दो वेरिएंट पे लॉन्च होगा, 6 120GB और एक दूसरा होगा 8 256GB। इसका रैम का क्वालिटी होगा LPDDR4X और इसका मेमोरी का क्वालिटी आइदर UFS 2.1 या फिर UFS 2.2 होगा। और इसके साथ जितना मुझे लग रहा है शायद आपको कोई एसडी कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन एक बहुत ही पतला और बहुत ही हल्का स्मार्टफोन है। और इसके साथ मोटोरोला के बाकी फोन के जैसा 2GB तक का वर्चुअल रैम का ऑप्शन मिलेगा। तो बैटरी अगर बात करें, अब देखिए ए सेक्शन बोलने से पहले मैं कह देता हूं, ये चीज ध्यान में रखना है, ये जो स्मार्टफोन एक बहुत ही पतला और बहुत ही हल्का स्मार्टफोन है, तो इसीलिए इसमें आपको मिलेगा 4020mAh का बैटरी और उसके साथ 30 वाट का चार्जर, और जो कनेक्टिविटी वो आपको मिलेगा USB टाइप सी। तो अगर मैं इसके कुछ बाकी फीचर की अगर बात करता हूं, आपको इसमें मिलेगा Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, सिंगल स्पीकर, और जितना मुझे लग रहा है क्योंकि एक बहुत ही पतला स्मार्टफोन है तो इसीलिए शायद आपको 3.5mAh जैक ना मिलने के सबसे ज्यादा चांस है। तो अब जो सबसे मेन चीज, ये जो स्मार्टफोन कब लॉन्च होने वाला है, किस प्राइस में लॉन्च होने वाला है, तो अभी तक मुझे ऐसे ही मालूम चला है कि मई महीने पे स्मार्टफोन लॉन्च होने के सबसे ज्यादा चांस है। मतलब मई महीने पे मोटोरोला के एक्चुअली बाकी सभी एज सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा और उसके साथ ही ये जो लाइट वाला एडिशन भी लॉन्च हो जाएगा। और अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें, तो मेरे सोर्स की तरफ से एकदम कॉन्फर्म इंफॉर्मेशन मिल चुका है कि इसका 120GB वाला जो वेरिएंट उसका प्राइस होगा एग्जैक्टली 19,000 रुपए, और जो हायर मतलब 8 256GB वाला जो वेरिएंट उसका प्राइस होगा एग्जैक्टली 24,000 रुपए। तो अभी हर वीडियो में जैसे इस वीडियो में आपको कहूंगा कि क्या ये जो स्मार्टफोन 19,000 के हिसाब से आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, आप में से बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि आप में से कुछ लोगों को कॉम्पैक्ट वाला स्मार्टफोन चाहिए, फॉर एग्जांपल वो जो आईफोन SE 3 उस जैसा छोटा वाला लेकिन पावरफुल स्मार्टफोन चाहिए। लेकिन
आजकल के दिन में सभी स्मार्टफोन 200 ग्राम से भी ज्यादा स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है, या फिर जो स्मार्टफोन का डिस्प्ले अभी तो ऑलमोस्ट 7 इंच के आसपास है, तो इसलिए आप लोगों ने कहा था कि कोई ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च होगा जो कि सबसे हल्का, सबसे पतला होगा और उसके साथ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए जो Motorola H30 Lite एकदम परफेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि 19,000 रुपए में छोड़ ही देता हूँ, यहाँ तक 25,000 रुपए, यहाँ तक 30,000 रुपए तक ऐसा कोई कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो कि आपको ऐसा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो इसीलिए जो लोग हल्का और पतला वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये जो डिवाइस वन एंड ओनली चॉइस है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा इंसान है जिन लोगों को स्पेसिफिकेशन से मतलब है, चाहे वो स्मार्टफोन 200 ग्राम 250 ग्राम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप लोगों के लिए स्मार्टफोन बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए इस स्मार्टफोन को छोटे मतलब पतला करने के चक्कर में पहली बात तो इसमें आपको 3.5 इंच जैक नहीं मिलेगा, दूसरा इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर नहीं मिलेगा, तीसरा छोटे करने के चक्कर में इसमें आपको बस 4000mAh का बैटरी मिलेगा, फोर्थ छोटे करने के चक्कर में इसमें आपको बस 6.28 इंच का ही डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए वीडियो के आखिर में मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहूंगा, जो लोग एक स्मार्टफोन में सेफ और सेफ स्पेसिफिकेशन को देखते हैं उन लोगों के लिए ये जो स्मार्टफोन बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन जो लोग अपने स्मार्टफोन में सबसे हल्का, सबसे पतला और सबसे पावरफुल स्पेसिफिकेशन को देखते उन लोगों के लिए ये जो स्मार्टफोन एकदम परफेक्ट होगा। तो अभी आप मुझे जो कमेंट में जरूर बताना कि जो Motorola H30 Lite नाम का जो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, क्या इस स्मार्टफोन को आप 19,000 पे लेना चाहेंगे, या फिर सिर्फ स्पेक्स ऑनली जो स्मार्टफोन जैसे कि पोको एक्सपोर्ट प्रो जैसा स्मार्टफोन आप उसे लेना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे जो कमेंट में कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।